अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लास 12 का 9 चैप्टर है ये, एमएसटी सीईटी के स्टूडेंट्स के लिए और नीट के अंदर 12th की नीट का चैप्टर है ये और बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल चैप्टर है। देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहते हैं, यानी कि ऐसा कंपाउंड जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड से मिलकर बने वाला है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब ऐसा कंपाउंड जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बना हुआ है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब कि क्या, ऐसा बॉन्ड जो सिर्फ एक स्पेशीज ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और दूसरे स्पेशीज ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। जैसे कि अगर हम बात करेंगे NH3 के ऊपर जो है यहाँ पर लोन पेयर होती है, NH3 के ऊपर लोन पेयर है। और अगर फॉर एग्जांपल ये NH3 के लोन पेयर किसी मेटल को अपनी लोन पेयर अगर डोनेट कर दे, जैसा कि प्लाटिनम मेटल को ये लोन पेयर NH3 डोनेट करता है, तो ये जो कंपाउंड बनेगा कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहलाएगा। बोलो कलर से नजर नहीं आ रहा है। आए माशाल्लाह, तो कोऑर्डिनेशन इंट्रोडक्शन चलेगा। अब सब है, नजर आ रहा है अच्छे से? हाँ चलो। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के अंदर बच्चों यहाँ पर सबसे पहले समझो कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होता है। ऐसा कंपाउंड जो कोऑर्डिनेशन से बना है। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जरिए से बना। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं NH3 अमोनिया है और अमोनिया के ऊपर यहाँ पर लोन पेयर मौजूद होती है। अगर कोई मेटल को ये अमोनिया या फिर कोई भी कंपाउंड लोन पेयर अगर डोनेट कर दे, तो डोनेट करने से जो बॉन्ड बनेगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड क्या है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। लेकिन कोऑर्डिनेट कंपाउंड की खास बात ये है कि ये पानी में डिसोसिएट नहीं होगा। अगर वाटर में हम इसको फिल कर देंगे, वाटर में अगर इसको डुबो देंगे, तो इन्हें डिसोसिएट नहीं होगा। कोऑर्डिनेट कंपाउंड देखिए, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर जैसे कि ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड हमारे पास है प्लैटिनम PBr2 NH3 फोर टाइम्स। अब ये Br, अब ये जो ब्रैकेट के अंदर की जो स्पीशीज है ये पानी में डिसोसिएट होने वाली नहीं है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर की स्पीशीज पानी में क्या हो सकती है, डिसोसिएट हो सकती है। लेकिन इसके अंदर की स्पीशीज पानी में डिसोसिएट नहीं होगी, क्योंकि ये असल में कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। क्या है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। अब देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर एक और चीज है, एक और तरह का कंपाउंड होता है, वो है हमारा डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या है बच्चों, डबल सॉल्ट मतलब के ऐसे कंपाउंड जिसको पानी में डिसॉल्व करने पर उनके आयन में उन्हें डिसोसिएट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो हमारे जो इंपॉर्टेंट डबल सॉल्ट है जिसके नाम आपको याद रखने हैं, वो है मोहर सॉल्ट, दूसरा है कैरनलाइट, और इनका फॉर्मूला भी आपको याद करना है। मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला ये है, कैरनलाइट का फॉर्मूला ये है, और तीसरा एक कंपाउंड है हमारे पास जिसका नाम है पोटाशियम अलूम, पोटाशियम अलूम। अब इसका फॉर्मूला है बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है ये, लेकिन इसे याद रख लो, पोटाशियम अलूम मतलब के एलुमिनियम, और यहाँ पर क्या होगा, सल्फेट आयन रहेगा हमारा 2 times, और यहाँ पर 12H2O, ये इसका फॉर्मूला है पोटाशियम अलूम। पोटाशियम का के, एलुमिनियम का Al, SO4 2 times रहेंगे, 12H2 है। ये एक डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट के मीनिंग मतलब, डबल सॉल्ट मतलब ऐसा कंपाउंड जिसको अगर अपन पानी में डिसोसिएट करेंगे, पानी में जब अगर अपन उसको क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे तो इसके कंप्लीटली आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। यानी कि पोटाशियम अलग हो जाएगा, K+ दे देगा, एलुमिनियम अलग हो जाएगा, Al+ दे देगा, SO4 अलग हो जाएगा, SO4-2 दे देगा, और H2O अलग हो जाएगा। यानी कि ये कंपाउंड पानी में डिसोसिएट करने पर डिसोसिएट हो रहा है, तो ये कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं कहलाएगा, बल्कि ये क्या कहलाएगा, डबल सॉल्ट कहलाएगा। समझ में आ रही है? इसकी दो एग्जांपल याद रखिए, सबसे पहला है हमारा मोहर सॉल्ट, दूसरा है कैरनोलाइट, इनके फॉर्मूले भी नोट डाउन कर लीजिए, और तीसरा इंपॉर्टेंट है
पोटेशियम अलोन, इसका फॉर्मूला भी क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तरफ। देखिए बच्चों, इसमें देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक कंपाउंड की एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने लिए प्लैटिनम, ठीक है, फिर यहाँ पर हमने लिए फॉर एग्जांपल NH3 टू टाइम्स और H2O लिए हैं फॉर एग्जांपल टू टाइम्स, H2O भी टू टाइम्स लिया गया, ओके। और ये जो ब्रैकेट के अंदर की एंटिटी होती है बच्चों, ब्रैकेट के अंदर जो होता है ये कहलाता है हमारा कॉम्प्लेक्स, ब्रैकेट के अंदर का क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स कहलाता है। और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कहलाता है, ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें हैं ये क्या कहलाएंगे, ब्रैकेट के अंदर का जो कंपाउंड है ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। या फिर दूसरा नाम क्या है इसका, दूसरा नाम है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ब्रैकेट के अंदर की एंटिटी क्या कहलाएगी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। या फिर आप इस पूरे ब्रैकेट को क्या कह सकते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या फिर क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स कहेंगे। और इसमें जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट इसका होता है, जो सबसे फर्स्ट है, ये सबसे फर्स्ट आपका कहलाता सेंट्रल मेटल एटम, या फिर आप इसको आयन भी कह सकते हैं, ठीक है, ये आयन भी है या फिर मेटल। अब इसको क्या बोल सकते हैं, सेंट्रल मेटल एटम कहो, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं, आयन कह सकते हैं। समझ में आई बात बच्चों? और जो प्लैटिनम यानी के सेंट्रल मेटल को जितने भी चीजें जुड़ी गई हैं ये लिगेंड कहलाती है। क्या कहलाती है, लिगेंड। यानी कि यहाँ पर NH3 टू टाइम जुड़ा गया है, ये भी लिगेंड है, H2O टू टाइम जुड़ा गया है, ये भी लिगेंड है, और ये पूरा मिलकर जो बना है बच्चों ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। फर्स्ट वाला सेंट्रल मेटल एटम, उसके साथ जो जुड़े हुए वो क्या है, लिगेंड। अब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो भी प्रेजेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ले लेते हैं Cl2 क्लोरीन मौजूद है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो भी मौजूद है वो कहलाता है काउंटर आयन। क्या कहलाता है, काउंटर आयन कहलाता है। समझ में आया बच्चों? अब जरा देखिए, अगर काउंटर आयन राइट साइड में है, काउंटर आयन अगर राइट साइड में है, इसका मतलब ये जो काउंटर आयन है ये है निगेटिव, और ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये है पॉजिटिव, इस पे चार्ज पॉजिटिव। अब चार्ज पॉजिटिव कितना है, तो आयन कितने हैं, दो है, तो ये आयन को इधर शिफ्ट कर दीजिए, इस पे +2 का चार्ज है, और ये स्पेस इस पे -1 चार्ज है। समझ में आया बच्चों? अगर फॉर एग्जांपल काउंटर आयन इधर नहीं है, काउंटर आयन इधर नहीं है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, काउंटर आयन इधर नहीं होने की बजाय काउंटर आयन इधर है, फॉर एग्जाम्पल K2 काउंटर आयन है ना, तो काउंटर आयन अगर इस साइड है बच्चों, तो ये वाला क्या हो गया हमारा पॉजिटिव, और ये वाला क्या हो गया, निगेटिव। अब निगेटिव चार्ज कितना है कॉम्प्लेक्स पे, तो यहाँ पर देखिए काउंटर आयन कितने हैं, दो हैं, तो इस पे निगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इतना याद रखो, पहले जो भी आता है वो पॉजिटिव, बाद वाला निगेटिव। जैसे कि अब अगले एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर इसमें अब यहाँ पर हम देखेंगे ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो हमने देखे पहले कॉम्प्लेक्स आया बाद में काउंटर आयन आया, पहले जो आया वो पॉजिटिव, मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स हमारा पॉजिटिव है, ब्रोमीन क्या है, निगेटिव। इस एग्जांपल में देखिए पहले कॉम्प्लेक्स आया मतलब ये पॉजिटिव और ये क्या है, निगेटिव। इस पे कितना निगेटिव चार्ज है, कितना पॉजिटिव चार्ज है, इसके इंटू में कुछ नहीं है, मतलब कि कितना है, 1 है। यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर भेज दीजिए 3 का चार्ज है, इसके ऊपर कितना चार्ज है, तो 2 का चार्ज है। क्या बात समझ में आई बच्चों? कभी कभी लेकिन इसमें प्रॉब्लम हो जाते चार्ज निकालने में, ये रॉन्ग आता, तो उसके जरिए अपन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इस्तेमाल करके चार्ज निकाल सकते हैं, तो उसको आगे देखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई आपको, ओके। ब्रैकेट के अंदर की जो चीजें हैं, ब्रैकेट के अंदर पहले वाला सेंट्रल मेटल, बाद वाला लिगेंड, बाहर वाला काउंटर आयन, ओके। अब जरा याद रखिए यहाँ पर, अब ये जो लिगेंड जुड़े हुए हैं, ये लिगेंड हमारे न्यूट्रल भी हो सकते हैं, एनायनिक भी हो सकते हैं, और कैटायनिक भी हो सकते हैं। लिगेंड जो जोड़ रहे हैं न्यूट्रल भी हो सकते हैं, एनायनिक भी हो सकते हैं, कैटायनिक भी हो सकते हैं। और लिगेंड के टाइप्स कितने हो सकते हैं, तो देखिए बच्चों, लिगेंड जो जोड़ रहे हैं, जैसे कि प्लैटिनम को NH3 यहाँ पर अटैच है, प्लैटिनम को NH3 अटैच है, देखिए यहाँ पर प्लैटिनम को 2 NH3 है, एक NH3 इधर है, NH3 के पास लोन पेयर होती है, यानी उसने 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किए, एक और NH3 है, मतलब उस NH3 ने भी इसको कितने, एक इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, डोनेट किए हैं। अगर उसने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है,
यानी कि किसी स्पेशीज के पास सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है। जैसे अमोनिया के पास सिर्फ और सिर्फ एक लोन पेयर है, मतलब कि एक लोन पेयर डोनेट करेगा प्लैटिनम को। अगर एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो वो लिगेंड कहलाएगा मोनोडेंटेट लिगेंड। क्या कहलाएगा? मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट डेंटेट लिगेंड कहलाएगा। समझ में आ रही बात बच्चों? लेकिन अगर किसी लिगेंड के पास दो डोनर आइटम है तो वो बाइडेंटेट लिगेंड कहलाएगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ एग्जांपल के तौर पे लेते हैं NH2 CH2 CH2 NH2। अब यहां पर हम देख सकते हैं ये एक ही लिगेंड है, लेकिन यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है और इस नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर है, यानी के सेंट्रल मेटल एटम को ये लिगेंड जो है दो एटम के थ्रू क्या हो सकता है? अटैच हो सकता है। अगर दो एटम के थ्रू अटैच हो सकता है तो उसे क्या कहेंगे हम? इसे हम कहेंगे बाइडेंटेट लिगेंड। कौन सा लिगेंड? बाइडेंटेट लिगेंड। सिर्फ एक डोनर आइटम अगर मौजूद है, इसमें देखिए सिर्फ एक डोनर आइटम था तो ये मोनोडेंटेट लिगेंड। इसके अंदर देखिए यहाँ पर भी एक डोनर आइटम है, यहाँ पर भी एक डोनर आइटम है, तो बाइडेंटेट लिगेंड। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप इसकी एग्जांपल, देखिए बच्चों ये मोनोडेंटेट है। किसे कहेंगे? अ डेंटेट लिगेंड, ऐसा लिगेंड इज द वन वेयर अ सिंगल डोनर एटम शेयर एन इलेक्ट्रॉन पेयर। मीन्स सिंगल डोनर एटम इलेक्ट्रॉन की पेयर क्या करेगा? शेयर करेगा। यानी कि सेंट्रल मेटल एटम है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, क्लोरीन सिंगल लोन पेयर अपनी इसके पास जो लोन पेयर है वो डोनेट करेगा, तो ये क्या कहलाएगा? मोनोडेंटेट। अगर अमोनिया है तो अमोनिया के पास भी हमें पता है सिर्फ एक लोन पेयर होती है, तो ये भी क्या कहलाएगा? मोनोडेंटेट लिगेंड कहलाएगा। क्या बात समझ में आ गई बात बच्चों? चलिए अब बाइडेंटेड लिगेंड की डेफिनेशन देखिए। यहाँ पर बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड मतलब कि ये किसकी एग्जांपल है? पॉलीडेंटेड लिगेंड के अंदर बाइडेंटेड लिगेंड आता है। व्हेन अ लिगेंड कैन बाइंड थ्रू टू डोनर एटम, अगर लिगेंड दो डोनर एटम से बाइंड हो सकता है, जुड़ सकता है सेंट्रल मेटल को, देन द लिगेंड इज सेड टू बी बाइडेंटेड। जैसे कि ये एग्जांपल अभी हमने देखे, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन दो लोन पेयर है इसके पास, इस साइड से और इस साइड से सेंट्रल मेटल को इन्हें अटैच हो सकता है। दूसरी एग्जांपल है बच्चों ऑक्सिलेट आयन। कौन सा आयन? ऑक्सिलेट। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए, ऑक्सिलेट आयन कहते हैं। अब ऑक्सिलेट आयन में देखिए यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर भी निगेटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन पर भी निगेटिव चार्ज है, मतलब कि इसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है, इसके पास भी एक्स्ट्रा लोन पेयर है, मतलब कि ऑक्सिलेट आयन में इस ऑक्सीजन से और इस ऑक्सीजन से दो साइड से इन्हें मेटल को क्या हो सकता है? अटैच हो सकता है। मतलब ये किसकी एग्जांपल है? बाइडेंटेड लिगेंड की एग्जांपल है। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों हेक्साडेंटेड लिगेंड। अब ये हेक्साडेंटेड लिगेंड बच्चों यहाँ पर इसकी एग्जांपल है EDTA, जिसे हम कहते हैं EDTA। इसको इतना बड़ा लिखने में प्रॉब्लम जाएगी, इस वजह से कहीं पर भी अगर EDTA लिखा दिखेगा तो समझ जाइए हेक्साडेंटेड है, मतलब कि छह साइड से इन्हें जुड़ा हुआ है। कितने साइड से जुड़ा हुआ है? छह साइड से। जैसे कि यहां पर देखिए E किसके लिए आता है? इथिलीन। D मतलब के बच्चों डाई अमाइन, दो अमाइन है इसके अंदर। और उसके बाद बच्चों T मतलब के टेट्रा, टेट्रा मतलब के चार एसीटेट, यानी कि चार एसीटेट आयन है। देखिए आप देख सकते हैं CH2COO, यहां पर क्या है? CH2 और उसके बाद क्या है? COO। तो ऑक्सी ये क्या है? एसीटेट। तो कितने एसीटेट है? एक दो तीन चार। तो इसका नाम पड़ गया इथिलीन, क्योंकि एक इथिलीन है। डाई मतलब के दो अमाइन है, इधर एक अमाइन, इथिलीन डाई अमाइन। टेट्रा मतलब के चार, एसीटेट मतलब के ये वाला ग्रुप CH2COO- वाला ग्रुप। अब जरा देखिए यहाँ पर इसके अंदर, यहाँ पर इस ऑक्सीजन पे एक्स्ट्रा लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन पर, इस ऑक्सीजन पे, मतलब के चार ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और दो नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर है। यानी कि इन्हें छह साइड से मेटल को अटैच हो सकता है। अगर सेंट्रल मेटल को जुड़ेगा तो ये नाइट्रोजन पकड़ेगा और ये नाइट्रोजन पकड़ेगा, ये ऑक्सीजन पकड़ेगा और ये ऑक्सीजन भी इसे पकड़ेगा और साथ ही साथ ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और ये ऑक्सीजन भी इसको जुड़ जाएगा। मतलब कि छह साइड से सिर्फ एक ही लिगेंड पकड़ेगा, छह साइड से एक ही लिगेंड पकड़ेगा। अगर एक लिगेंड एक साइड से ज्यादा साइड से अटैच हो रहा है तो इसे चिलेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? चिलेट कहते हैं। यहाँ पर लिखे देखो चिलेट लिगेंड,
चिलेट लिगेंड मतलब कि ऐसा लिगेंड जो सिर्फ एक साइड से अटैच नहीं होता बल्कि एक से ज्यादा साइड से अटैच होता है। तो ऐसे लिगेंड को हम कौन सा लिगेंड कहते हैं? चिलेट लिगेंड कहते हैं। और इसकी डेंसिटी मतलब के कितने साइड से इन्हें इलेक्ट्रॉन डोनेट किया या फिर कितने डोनर आइटम, इसके पास कितने डोनर आइटम है? देखिए आप इसके पास देखो, यहाँ पर ये एक डोनर आइटम है, ये एक दो डोनर आइटम है, ये तीन है, ये चार, ये पांच और ये छह, छह डोनर आइटम है। तो इसकी डेंटिसिटी कितनी है? सिक्स है। डेंटिसिटी कितनी है? सिक्स है। पहले वाले में अगर डेंटिसिटी पूछा, इसमें डेंटिसिटी कितनी है, तो यहाँ एक डोनर आइटम, यहाँ एक डोनर आइटम, तो इसकी डेंटिसिटी कितनी है? दो है। यहाँ पर कितने डोनर आइटम है? ये एक डोनर आइटम, ये एक डोनर आइटम, इसकी डेंटिसिटी कितनी है? दो है। समझ में आ रही बात डेंटिसिटी किसे कहते हैं? तो अब देखिए यहाँ पर इधर, तो चिलेट समझ में आया आपको, अगर कोई लिगेंड एक से ज्यादा साइड से अटैच होता है तो उसे क्या कहते हैं? चिलेट कहते हैं। ठीक है, चिलेट लिगेंड कहते हैं। अब यहां पर हमें कुछ चीजों का अंदाजा हो गया। देखिए देखिए बच्चों, कुछ एग्जांपल देख लो अच्छे से। सबसे पहले क्या देखे हमने? सबसे पहले हमने लिगेंड देखे, कौन सा लिगेंड है? मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट मतलब जो एक साइड से अटैच होता है। दूसरा कौन सा देखे? पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट में हमने सबसे पहला क्या देखे? बाइडेंटेट। बाइडेंटेट मतलब के क्या? जो दो साइड से अटैच हो। दूसरा कौन सा देखे हमने? हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट मतलब के कितने साइड से अटैच हो? छह साइड से अटैच हो। अब एक और इसकी एग्जाम्पल है, ये वन हो गया, टू हो गया, थर्ड वन है एम्बीडेंटेट लिगेंड। कौन सा लिगेंड है? एम्बी डेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड मतलब के लिगेंड के पास दो डोनर आइटम होते हैं लेकिन वो दो में से किसी एक ही आइटम से अटैच हो पाता है। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड, यहां पर डोनर के पास देखिए दो, यहां पर देखिए NO2-. अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है देखिए, यहां पर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास भी क्या है बच्चों? लोन पेयर है। और नाइट्रोजन के पास भी क्या है? लोन पेयर है। यानी कि एक लिगेंड के अंदर दो डोनर आइटम है लेकिन अगर उन्हें दोनों से अटैच नहीं होता, यानी कि मेटल को ऑक्सीजन से भी अटैच हो रहा है, नाइट्रोजन से भी हो रहा है, ऐसा नहीं होता। दो डोनर आइटम है तो किसी एक डोनर आइटम से ही अगर उन्हें अटैच होता है, अगर दो डोनर आइटम में से किसी एक डोनर आइटम से ही उन्हें अगर अटैच होता है तो इसे हम कहेंगे एम्बीडेंटेड लिगेंड। है तो दो डोनर आइटम, नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है लेकिन दो से अटैच नहीं होगा। इस एग्जांपल में देखिए ऑक्सीजन से मेटल को अटैच हुआ, एग्जाम्पल में देखिए नाइट्रोजन से मेटल को अटैच हुआ। समझ नहीं बात? तो ये कहलाएगा एम्बीडेंटेड लिगेंड। कौन सा लिगेंड? एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो इसकी एग्जाम्पल याद कर दीजिए, सबसे पहली एग्जाम्पल क्या है इसकी? NO2-. दूसरी एग्जाम्पल क्या है? SCN या NCS? SCN थायोसाइनाइटोएस। अब इसमें देखिए क्या है, यहां पर S के जरिए से इन्हें क्या हो रहा है? सल्फर के जरिए से मेटल को क्या हो रहा है? अटैच हो रहा है। अगर सल्फर से अटैच होने के बजाय नाइट्रोजन से अटैच हो तो इसको थायोसनफेनेटो N कहेंगे। समझ में ये बात? थायोसाइनाइटो N कहेंगे अगर वो N से अटैच होता है, और S से अटैच होता है तो थायोसायनाइटो S कहेंगे। समझ में आ रही बात बच्चों? तो यहां पर देखो ये दोनों भी एग्जांपल, ये तीनों भी एग्जांपल किसके हैं? एम्बीडेंटेड लिगेंड के। एम्बीडेंटेड लिगेंड मतलब दो डोनर आइटम तो है लेकिन दोनों में से किसी एक ही डोनर आइटम से वो क्या होगा? अटैच होगा। अब आगे चलते देखिए यहां पर, अब टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के टाइप्स कितने? जैसे कि हमने अभी देखा कि अगर यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में फॉर एग्जाम्पल प्लैटिनम है और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल NH3 टू टाइम्स है और H2O फॉर एग्जाम्पल टू टाइम्स है और इस ब्रैकेट के ऊपर कुछ भी नहीं, हमने देखा कि इसके ऊपर अगर चार्ज कुछ भी नहीं, इस पे चार्ज कुछ भी नहीं है तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया? ये कॉम्प्लेक्स हो गया न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई ना कोई अगर काउंटर आयन आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर अगर K2 आता है, K2 आता है तो हमने भी देखा फर्स्ट वाला पॉजिटिव होगा, सेकंड वाला क्या होगा? नेगेटिव होगा। कितना नेगेटिव? यहाँ जितना है वहां पर नेगेटिव, मतलब कि ये -2 चार्ज है इसके ऊपर, -2 चार्ज है, मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? कैटायनिक या एनायनिक? ये कॉम्प्लेक्स हो गया हमारा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, माइनस वाला चार्ज है। और अगर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज कैसे पता चलेगा? यानी कि काउंटर आयन इधर जुड़ने के बजाय
इधर जुड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल काउंटर आयन यहाँ पर है, काउंटर आयन अगर यहाँ पर है इसका मतलब पहली स्पीशीज पॉजिटिव है, बाद वाला क्या है नेगेटिव है। पहला पॉजिटिव है मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कि कैसा कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, यानी कि कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स निगेटिव हो सकता है। ये हो गया टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब देखिए बच्चों इधर, अब ये हमें याद करना है, ये आप लोगों को याद करना है, याद करना है कि न्यूट्रल लिगेंड कौन कौन से, जैसा अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है। सर याद क्यों करना है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के अंदर जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस है वो मेन है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना, ई ए एन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना, और तीसरा है आईयूपीएसी। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये तीनों को समझने के लिए हमें ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि न्यूट्रल लिगेंड्स कौन कौन से। जैसे कि यहाँ पर देख लो, याद कर लो कि अमोनिया जो है न्यूट्रल लिगेंड है, और इथेनामाइन भी हमारा न्यूट्रल लिगेंड है, वाटर का तो पता होता है न्यूट्रल है, कार्बोनिल भी न्यूट्रल है, हाइड्रोक्सिलामाइन न्यूट्रल है, पिरिडीन भी न्यूट्रल लिगेंड है। अब उसके बाद बच्चों देखो पॉजिटिव और मोनोडेंटेड लिगेंड, पॉजिटिव और मोनोडेंटेड लिगेंड, तो यहाँ पर तीन एग्जांपल है पॉजिटिव और मोनोडेंटेड लिगेंड के, और यहाँ निगेटिव मोनोडेंटेड लिगेंड, ऐसे लिगेंड जो निगेटिव और कैसे मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेड मतलब कि क्या, जो सिर्फ एक साइड से जुड़ रहे हैं, जो सिर्फ एक साइड से, यानी हाइड्रोजन भी सिर्फ एक साइड से जुड़ेगा, फ्लोरिन भी सिर्फ एक साइड से जुड़ेगा, क्लोरिन भी सिर्फ एक साइड से जुड़ेगा। अब जरा देखिए यहाँ पर और एग्जांपल क्या है निगेटिव की, ये देखिए ब्रोमीन, आयोडीन, OH माइनस, ये तो जनरली हमें याद ही होते, अच्छे खासे एग्जांपल हमें याद है, कुछ चीजें याद करनी है। जैसे कि यहाँ पे नाइट्रेटो NO3 माइनस, अमाइडो NH2 माइनस, ये IUPAC नेम के साथ हमें याद करना है कि ये लिगेंड न्यूट्रल है या फिर निगेटिव वाले है या फिर मोनोडेंटेड है बाइडेंटेड है। ये पूरे एग्जाम्पल बच्चों मोनोडेंटेड है, क्या क्या है मोनोडेंटेड। अब देखिए यहाँ पर बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड में हमने अभी देखे ऑक्सिलेट आयन, इस आयन को हमने अभी देखिए C2O4 माइनस, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से था देखिए C2 कार्बन, ये कार्बन, ऑक्सीजन कितने हैं 4, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ पे कौन सा चार्ज था बच्चों माइनस चार्ज था। ये था हमारा ऑक्सिलेट आयन, अभी जस्ट हमने देखे। तो ऑक्सिलेट आयन कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है, याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पर जितने भी लिगेंड है देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरे बाइडेंटेड लिगेंड है, और ये ट्राइडेंटेड है, और हेक्साडेंटेड हमने अभी देखे थे, ये लास्ट वाला एग्जांपल हेक्साडेंटेड लिगेंड। तो हमें ये याद करना पड़ेगा बाइडेंटेड कौन है, ट्राइडेंटेड कौन है, हेक्साडेंटेड कौन है। इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो ऑक्सिलेट आयन एक इंपॉर्टेंट है, और हमारा EN एक इंपॉर्टेंट है। ये EN इथिलीन डायमाइन लिखने के बजाय सिर्फ शॉर्ट में इसको क्या कहेंगे, EN लिखेंगे, क्या लिखेंगे, EN लिखेंगे। समझ में आ रही बात बच्चों, ये पूरा चार्ट आप लोग क्या करना है, याद करना है, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, याद करो इसको। नेक्स्ट देखो, अब देखिए बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर निकालना या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब के बच्चों सेंट्रल मेटल एटम को कितनी स्पीशीज जुड़ी हुई है, या फिर कितने एटम ने लोन पे डोनेट करे, उसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। जैसे हमें पता है प्लैटिनम सेंट्रल मेटल एटम है, ब्रोमीन मोनोडेंटेड लिगेंड है तो एक तरफ से जुड़ा होगा यानी एक लोन पे डोनेट करेगा, अमोनिया भी मोनोडेंटेड लिगेंड है तो एक लोन पे डोनेट करेगा, लेकिन अमोनिया चार है तो चार लोन पे रिनो डोनेट करेंगे, तो चार और ये दो, ब्रोमीन दो है तो कितने लोन पे डोनेट करेगा दो, तो चार और दो छः, मतलब कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है छः है, मतलब कि कितने साइड से इन्हें घिरा हुआ है, कितने लोगों ने इसको पकड़ा हुआ है, उसको कहेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर छः है प्लैटिनम का, यानी कि प्लैटिनम को एक दो तीन चार पाँच छः साइड से इसको पकड़ा हुआ है, चार अमोनिया है यहाँ पर NH3, यहाँ पर एक NH3, दो तीन और ये चार NH3 जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर दो ब्रोमीन जुड़े हुए, इधर एक ब्रोमीन और इधर एक ब्रोमीन। तो ये हो गया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर, एक दो तीन चार पाँच छः। समझ में आई बात बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए भी हमें जरूरी है ये पता करना कि लिगेंड मोनोडेंटेड है या बाइडेंटेड है।
अब देखिए यहाँ पर कोबाल्ट को NH3 पांच है, CO3 एक ही है, तो पांच और एक छह मतलब इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है। यहाँ पर देखिए कोबाल्ट को H2O कितने हैं एक और NH3 कितने हैं पांच, पांच और एक छह मतलब इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर छह, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर छह, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर छह है, यानी कि इस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं। अगर इसके बजाय क्वेश्चन इस तरीके से आता था कि कोऑर्डिनेशन नंबर हमें बताना है, फॉर एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हमें बताना है किसका, जैसे कि यहाँ पर प्लैटिनम है और ये EN दिया हुआ है ट्वाइस और यहाँ पर H2O दिया हुआ है ट्वाइस, ठीक है। अब हमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है प्लैटिनम का, प्लैटिनम का क्या बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो आप जरा देखिए यहाँ पर EN जो है हमें पता है बाइडेंटेड, EN का स्ट्रक्चर कैसे था, CH2 बॉन्ड, CH2 बॉन्ड NH2 और यहाँ पर NH2, यहाँ पर इसके ऊपर भी लोन पेयर है, इसके ऊपर भी लोन पेयर है, इन्हें दो साइड से मेटल को अटैच है, यानी कि EN दो साइड से अटैच है, EN दो साइड से अटैच है, लेकिन EN कितने हैं दो है, तो कितने साइड से अटैच हो जाएगा चार साइड से, यानी कि यहाँ पर ये EN का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो रहा है चार, और H2O कितने हैं दो है, H2O मोनोडेंटेड है, मोनोडेंटेड है मतलब कि एक साइड से अटैच होगा, लेकिन H2O कितने हैं दो H2O है मतलब कि दो साइड से अटैच होंगे, यानी कि H2O दो साइड से अटैच है और EN चार साइड से, चार और दो छह मतलब कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चों छह। लेकिन देखने में क्या लग रहा है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ दो है, यहाँ दो है, कोऑर्डिनेशन नंबर चार नहीं, इस वजह से हमें पता होना जरूरी है कि जो लिगेंड जुड़े हुए हैं वो मोनोडेंटेड है, बाइडेंटेड है या हेक्साडेंटेड। अगर डायरेक्टली यहाँ पर EDTA होता, अगर यहाँ पर डायरेक्टली EDTA होता, जैसे कि यहाँ पर अगर प्लैटिनम है, प्लैटिनम के बाद यहाँ पर EDTA रहता, EDTA रहता यहाँ पर डायरेक्टली, ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या है, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर इसका वन है, नहीं, हमें पता है EDTA छह साइड से अटैच होता है, यानी कि छह साइड से ने सेंट्रल मिडल को पकड़ा हुआ है, इसका मतलब EDTA का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चों सिक्स है, समझ में आ रही बात, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हमें पता होना जरूरी है कि डेंटेड लिगेंड जो जुड़े हुए हैं वो मोनोडेंटेड है या बाइडेंटेड है, यानी कि वो चार्ट याद करना बहुत ही ज्यादा हमें जरूरी है। देखिए नेक्स्ट, ये जो चार्ट है हमारे पास, ये चार्ट याद करना जरूरी है, न्यूट्रल लिगेंड और ये न्यूट्रल के साथ साथ मोनोडेंटेड लिगेंड, ये पॉजिटिव लिगेंड और ये निगेटिव लिगेंड वो भी मोनोडेंटेड वाले, ये पूरे मोनोडेंटेड लिगेंड और ये वाले हमारे पॉलीडेंटेड लिगेंड मतलब कि एक से ज्यादा, जैसे ये पूरे बाइडेंटेड वाले हैं, ये ट्राइडेंटेड वाला, ये टेट्राडेंटेड वाला, ये ट्राइडेंटेड, बाइडेंटेड और ये हेक्साडेंटेड लिगेंड, ओके। चलिए बच्चों अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं या कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना तो हमने अभी सीखा है, जैसे कि यहाँ पर कोबाल्ट को NH3 जो है याद कर लेना है कैसा है, मोनोडेंटेड है, मोनोडेंटेड है मतलब कि एक साइड से जुड़ेगा, तो चार NH3 चार साइड से जुड़ेंगे, वाटर मोनोडेंटेड है एक साइड से जुड़ेगा, क्लोरीन मोनोडेंटेड है एक साइड से जुड़ेगा, तो एक और एक दो साइड और चार साइड मतलब छह साइड, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया सिक्स आ गया। देखिए बच्चों ये जो हमारा हैलाइड्स होते हैं यानी कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब के सब कैसे हैं मोनोडेंट, कैसे हैं मोनोडेंट, और साथ ही साथ याद कर लीजिए H2O वाटर भी कैसा है मोनोडेंट है, और हमारा NH3 अमोनिया भी कैसा है मोनोडेंट है, समझ में आ रही है बात बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहां पर, अब यहां पर लिस्ट में आप जरा देख सकते हैं, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप OH वाला भी क्या है बच्चों मोनोडेंटेड है, ओके तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं, चलिए देखिए, तो अब यहां पर देखिए यहां इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो क्लोरीन यहां पर दो और EN हमें पता है दो साइड से अटैच होता है बाइडेंटेड है, तो दो EN चार साइड से अटैच होंगे और इन्हें दो साइड से चार और दो छह, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है सिक्स है, मतलब कि सर सिंपल सा कोऑर्डिनेशन नंबर छह ही ऐड कर देंगे क्योंकि हर बार तो छह ही आ रहा है, ऐसा नहीं होता। देखो यहां पर, यहाँ पर देखो जिंक में OH कितने जुड़े हुए हैं चार,
और OH मोनोडेंटेड है, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? चार है। CO भी मोनोडेंटेड है, कितने जुड़े हुए? चार, यानी कि इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? चार है। समझ में आ रही बात? कोऑर्डिनेशन नंबर या तो चार आएगा या तो छह आएगा, बस इसके अलावा कुछ कोई भी आ रहा है तो गलत है। या तो चार आएगा या तो क्या आएगा? छह आएगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद अब देखिए बच्चों किस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सिंपल है। देखिए आप इधर ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे कि मुझे पहले वाले का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। क्या है यहाँ पर? कोबाल्ट है, NH3 कितने टाइम्स है यहाँ पर? फोर टाइम्स है। H2O कितने टाइम्स है? एक ही टाइम्स है। और यहाँ पर Cl है, और यहाँ पर इसके बाहर Cl2 जुड़ा हुआ है। मुझे पता है पहले वाली स्पेशीज क्या होगी? पॉजिटिव। बाद वाला क्या होगा? नेगेटिव। मतलब कि इसके ऊपर का टोटल चार्ज जो है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव कितना है? तो क्लोरीन 2 है, तो इसको इधर भेज दीजिए, मतलब कि +2 का चार्ज इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। तो याद रखिए ऑक्सीडेशन नंबर जो कैलकुलेट करते हैं सेंट्रल मेटल का करते हैं। तो सेंट्रल मेटल कौन है हमारे पास यहाँ? कोबाल्ट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर को हम क्या करेंगे? एक्स प्लस में। अमोनिया हमें पता है न्यूट्रल लिगेंड है, तो न्यूट्रल लिगेंड है तो उस पर चार्ज कुछ भी नहीं होगा, मतलब कि चार्ज क्या है? जीरो है। प्लस में वाटर भी न्यूट्रल लिगेंड है, तो उसपे भी चार्ज क्या है? जीरो है। प्लस में क्लोरीन न्यूट्रल लिगेंड है क्या? नहीं, क्लोरीन न्यूट्रल लिगेंड नहीं है, उसपे हमेशा -1 चार्ज होता है, यानी कि क्लोरीन पे -1 चार्ज। इक्वल। अब टोटल चार्ज कितना है? देखिए +2, मतलब कि यहाँ पर +2 ऐड कीजिए, तो टोटल क्या हो गया यहाँ पर? x-1=+2, x = +2, -1 + 2 + 1 + 3, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ कोबाल्ट पर? +3। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +3। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब यहाँ पर बच्चों, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर इसके ऊपर हमें क्या पता करना है? अगर ऑक्सीडेशन नंबर इसका हमें फाइंड आउट करना है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, तो देखिए बच्चों सिंपल है, यहाँ पर K2 है और यहाँ पर क्या है? Zn OH कितने टाइम्स है बच्चों? OH 4 टाइम्स है। अब हमें पता है कि जो पहले आता है उन्हें पॉजिटिव, बाद वाला नेगेटिव, मतलब कि ये पूरा ब्रैकेट कैसा है हमारा? नेगेटिव। कितना नेगेटिव चार्ज है? 2 को उधर भेज दीजिए, -2 का चार्ज है। अब यहाँ पर Zn पे का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, तो क्या कंसिडर कर लेंगे? X प्लस OH का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? OH पे चार्ज कितना है? OH पे चार्ज है माइनस। अब ये कैसे पता चलेगा? टेबल याद करना होगा। OH पे -1 चार्ज है, तो -1 इनटू में OH कितने हैं? 4 है। इक्वल टोटल चार्ज कितना है? -2। तो x प्लस माइनस माइनस, 4 × 4 = -2, तो x = -2 - 4 जाके +4, तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारे पास +2, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका? +2 है। उसी तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर हर स्पेशीज का निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? En जो है बच्चों, En कैसा है? En असल में है हमारा न्यूट्रल। न्यूट्रल है तो इसका चार्ज हो गया 0। क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है? -1। क्लोरीन कितने हैं? 2, -2। इक्वल के उधर जाके -2 + 2 बन जाएंगे +2, और ये ऊपर का +1 चार्ज कितना आ जाएगा इसका? +3 आ जाएगा। अब यहां पर चार्ज देखिए, अब यहां पर CO के ऊपर चार्ज कितना होता है? CO के ऊपर। अब यहां पर ये हमें नहीं दिया गया है कि ये ब्रैकेट के ऊपर का पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये 90% बच्चों, 90% या फिर हर केस में ही हमें ब्रैकेट के ऊपर चार्ज देना मस्ट है। अगर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज नहीं देता है तो साइड में हमें काउंटर आयन दे देना जरूरी है। अगर काउंटर आयन भी नहीं है, चार्ज भी नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। अगर हम जीरो मान के करते हैं इसको, जीरो कंसिडर करते हैं, तो इस पे चार्ज कितना होता है बच्चों? -1। -4 कितना हो जाएगा? -4, उधर जाकर +4, यानी कि इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा? +4, अगर हम जीरो अज्यूम करके करते हैं तो। लेकिन ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, जीरो अज्यूम नहीं करना है। ठीक है, देखिए बच्चों आगे नेक्स्ट। अब देखो एक लास्ट चीज हमारी छूट रही थी,
वो है डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और डबल सॉल्ट के बीच में डिफरेंशिएट। देखिए बच्चों, अ डबल सॉल्ट डिसोसिएट इन वाटर कंप्लीटली इनटू सिंपल आयन। डबल सॉल्ट जो है वाटर के अंदर कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। जैसे कि हम ये डबल सॉल्ट था हमारे पास मोहर सॉल्ट कहते हैं इसे, इसको जैसे ही हमने वाटर में ऐड किए तो इन्हें कंप्लीटली बच्चों Fe अलग हो गया, यहाँ पर Fe प्लस टू हो गया, यहाँ पर अमोनिया अलग हो गया, यहाँ पर सल्फेट अलग हो गया, यहाँ पर तमाम उसके जो कंपोनेंट थे वो अलग अलग हो गए, यानी कि इन्हें कंप्लीटली क्या हो गया, डिसोसिएट। लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हम देखेंगे तो इन्हें कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर काउंटर आयन डिसोसिएट होगा। यानी कि अगर यहाँ पर प्लाटिनम के साथ सिस प्लाटिन है, NH3 टू टाइम्स है और H2O फॉर एग्जांपल टू टाइम्स है और इसके पास यहाँ पर Cl2 है, अगर हम इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर की कोई भी स्पेशी डिसोसिएट नहीं होगी बल्कि काउंटर आयन डिसोसिएट हो जाएगा। मतलब कि इसके ऊपर जो चार्ज आएगा पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्लस टू चार्ज आएगा और इस पे माइनस वन चार्ज। यानी कि इन्हें जो डिसोसिएट होता है सिर्फ एक आयन देता है डिसोसिएट होने पे। अगर इन्हें वाटर में डिसोसिएट भी होगा तो कितने आयन देगा, सिर्फ एक आयन देगा और उस आयन के अंदर भी कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स के बाहर का काउंटर आयन डिसोसिएट होगा, जो कि पहला पॉइंट है। क्या कह रहा है देखो, अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट इन वाटर विद एटलीस्ट वन कॉम्प्लेक्स आयन, सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स आयन में डिसोसिएट होगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स आयन में डिसोसिएट नहीं होगा। डबल सॉल्ट गिव टेस्ट फॉर ऑल देयर कंस्टिट्यूट आयन, वही पॉइंट डबल है कि उसमें हर कंस्टिट्यूट आयन का टेस्ट आएगा जब अपन उसको डिसॉल्व करेंगे और इसमें टेस्ट नहीं आएगा। और देखिए बच्चों, डबल सॉल्ट लूज देयर आइडेंटिटी, डबल सॉल्ट की आइडेंटिटी लूज हो जाएगी, जबकि इसकी आइडेंटिटी लूज होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि इसके आयन जैसा का वैसे हैं। और इसकी एग्जांपल देखिए बच्चों मोहर सॉल्ट, और इसकी एग्जांपल कोई भी आप लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की किसी भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं। समझ में आई बात बच्चों? तो आज एकदम बेसिक लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर। कल के लेक्चर में जो है हम आगे की चीजें कंटिन्यू करेंगे, मतलब कि इसकी IUPAC देखेंगे, IUPAC के साथ इसका आइसोमेरिज्म देखेंगे, आइसोमेरिज्म के बाद थर्ड लेक्चर एक लास्ट लेक्चर आएगा हमारा, जिसके अंदर हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में समझेंगे और हम साथ ही साथ VBT थ्योरी के बारे में समझेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और फिर हमारे चैप्टर को क्लोज करेंगे फोर्थ लेक्चर में, जिस लेक्चर में हम इसके पूरे MCQ को देखेंगे। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा बाय बाय। ऑफ कर।